प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा स्टोरी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करो। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था वी जंगू को कह रही थी खुद के घर पे आके शिफ्ट कर लो, मीन्स वी के घर पे आके शिफ्ट कर लो, लेकिन जंगू नहीं मान रहा था। अभी देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द स्टोरी। जंगकुक वापस से स्टार्ट मत हो जाओ, इतना तुम मान गए सबके लिए, अभी शिफ्ट करने के लिए मना कर रहे हो, क्यों क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, मान जाओ ना। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ वी, या तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैं पहले ही मजबूरी में हाँ कहा, मेरे पास खुद का घर है, मैं क्यों तुम्हारे घर पे आके शिफ्ट करूँ? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, मैं टाइम पास के लिए थोड़ी कह रही हूँ तुम्हें मेरे घर पे आके शिफ्ट कर लो या मुझे तुम्हें मेरे घर पे रखना है, समझो ना। हाँ हाँ, हर बार मैं ही समझो ना, है ना? और तुम तो वो रीजन बताने से रही, है ना? तुम्हें जो करना कर लो भी। ओह तो ठीक है, इसका मतलब तुम दोपहर को आ जाओ मेरे घर पे, ठीक है? फिर हम लोग वहाँ पे बात करेंगे। आ जाना शार्प, लेट मत होना, ठीक है? अभी मैं निकलती हूँ, बाय। वाह, खुद आई, खुद सब कुछ कहा और खुद ही बोल के चली गई। मैंने मना किया फिर भी, वाह। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती ना, मैं कभी भी इसकी बात नहीं मानता। हाँ, और क्या कहा उसने? टाइम पे आ जाना, हाँ, लेट मत करना, जैसे कि मैं इसका नौकर हूँ या डिलीवरी बॉय हूँ, है ना? समय से आ जाना। प्रिंसेस, आप रेस्ट कीजिए, मैं जाके वी से मिल के आता हूँ, ठीक है? आप घर से बाहर मत जाइए, सिर्फ रेस्ट कीजिए, ठीक है प्रिंसेस? डोंट वरी भाई, मैं घर पे ही रहूंगी और रेस्ट करूंगी। वैसे भी मुझे भी वी से मिलना था, लेकिन मैं बाद में मिल लूंगी, मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी भाई, डोंट वरी, आप जाके आराम से आ सकते हैं। ओके बाय प्रिंसेस, मैं जल्दी आ जाऊंगा, टेक केयर। जैक्सन, मैं और तुम्हें कितना टाइम दूं, तुम कभी ढूंढ के बताने वाले हो कौन है इसके पीछे और कौन असली कल्प्रिट है, तुम कभी बताने वाले? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम मुझे बता दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। डोंट वरी बॉस, मैं कल्प्रिट के बहुत ज्यादा नजदीक हूँ, मुझे मिल गए समझो, मैं क्या जैसे मुझे मिलता है मैं आपको आके बता दूंगा बॉस, डोंट वरी, प्लीज ट्रस्ट मी। देखो जैक्सन, मैं तुम्हें सिर्फ 12 घंटे दे रहा हूँ, उससे पहले मुझे कल्प्रिट का नेम और फुल डिटेल्स चाहिए, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे चाहिए। ओके बॉस, डोंट वरी, आपको मिल जाएगा पूरे डिटेल्स। तुम नहीं समझोगे जंगकुक, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मुझे पता है युनजुन इतनी आसानी से मेरी बातों पे नहीं आने वाला है, वो जरूर छानबीन करेगा और वो जरूर पता करने की कोशिश करेगा मैं सच बोल रही हूँ या झूठ, इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ये मेरा पास्ट लाइफ मेरा पीछा कभी छोड़ेगा, ये स्पेशली युनजुन, ये क्यों आया था मेरी लाइफ में, क्या करूं मैं थक गई हूं मेरे इस पास्ट लाइफ के बोझ को उठाते उठाते, मुझे और नहीं हो रहा है। आप लोगों को भी ऐसे लग रहा है ना आर्मिस, ऐसा क्या हुआ वी के पास्ट लाइफ में वी इतनी ज्यादा कोल्ड और आर्टलेस बन गई थी? चलो चल के देखते हैं वी के पास्ट में ऐसा क्या हुआ। Now go to flashback. मैं दो दो पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, फिर भी मेरा कुछ अच्छा नहीं निकल पाता और युनजुन का भी सब कुछ कैसे करूँ, काश मुझे एक परमानेंट जॉब मिल जाता तो कितना अच्छा होता। एनीवे अभी मुझे जाना चाहिए, युनजुन वेट कर रहा होगा घर पे। मैंने तो कह दिया था युनजुन से आज मेरा नाइट शिफ्ट है, आज नहीं आ पाऊंगी, लेकिन बॉस ने कहा कि आज मुझे बंद करना पड़ेगा, आज नाइट शिफ्ट नहीं, अच्छा हुआ। अभी मैं युनजुन को जाके सरप्राइज दूंगी, उसका फेवरेट फूड लेके जाऊंगी, वो तो शॉक ही हो जाएगा, क्या हुआ अचानक मैं कैसे आ गई। हाँ दे, ये गुड आइडिया है, चल भी जल्द से जल्द मैं घर पहुँच जाऊँ। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रही थी, अगर मैं बेल बजा देती और वो सो रहा होता तो नहीं, मेरे पास पैर की है, मैं उसी से अंदर जाती हूँ। हाँ ये कैसी आवाजें आ रही है अजीब सी, हाँ
लड़की के शूज इस वक्त होंगे घर पे। अरे मुझे नहीं पता जी मेरा। हम लोग
लोग आ जाएंगे। तुम्हारी बात सही है, दी यहाँ पे नहीं है और भाई भी यहाँ पे नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अगर मैं कुछ देर यहाँ पे रही तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। प्लीज यहाँ से कहीं दूर मुझे ले चलो, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। हम लोग बाद में देख लेंगे क्या बोलना है भाई और दी को। प्लीज जमीना, प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज मत रोते। ठीक है, हम लोग आज ही यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है आज ही, डोंट वरी। हम लोग कैसे भी करके मैं तुम्हें आज ही यहाँ से लेके जाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है ते? ते जैसा तुमने कहा हम लोग आ तो गए बुसान से सोल, जितना पैसा था सब कुछ लेके सब कुछ आ गए, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या ते अकेले? थैंक यू जिमिना, तुमने मेरी बात मानने के लिए। यही बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे जिमिना, हम दोनों साथ में है ना। हम लोग कुछ ना कुछ करके हम दोनों के लिए रहने की जगह और जॉब का इंतजाम कर लेंगे जिमिना, डोंट वरी। वो सब तो ठीक है, आइंदा तुमने मुझे थैंक यू बोला ना ते, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम दोनों सोलमेट है और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ यार, ये तो बहुत छोटी सी बात है। यही बात तूने कहा, जॉब और रहने की जगह हम लोग मैनेज कर लेंगे। हाँ हम लोग कर लेंगे। ओके मेरी सोलमेट, मैं तुझसे कभी थैंक यू नहीं बोलूंगी, तू मेरे लिए सबसे बढ़कर है, तेरे अलावा मेरा है ही कौन। फिर जिमिन और ते बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं उन्हें जॉब मिल जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। फिर वो लास्ट में मॉडलिंग में आते हैं। फिर वहाँ पे आने के बाद ते अपना नाम चेंज कर लेती है और अपना नाम वी रख लेती है। ते और जिमिन पहले से रिच नहीं थे, वो लोग पहले मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर उनके सक्सेस के बाद वो यहाँ पे पहुँचे और उनके भाई और बहन उन दोनों के सक्सेस के बाद भी अभी वो जहाँ पे है वहाँ पे पहुँचे, आई मीन जिन एंड आरएम। तो यही तक था वी का पास्ट लाइफ। तुम्हें क्या लगा युनजुन, तुम आ जाओगे मेरी जिंदगी में वापस और पहले की तरह रूल करने लगोगे? बिल्कुल नहीं, मैं पहले वाली ते नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों पे आ जाएगी आग बंद करके। मैं वी हूँ, मुझे पता है तुम क्यों वापस आए हो, किसी मकसद से तो ज़रूर आए हो, लेकिन वो मकसद इस बार तुम्हारा पूरा नहीं होगा, समझ गए तुम युनजुन? लगता है कि जंगो आ गया, टाइम से करता टाइम से आ भी गया। वेलकम, अभी तुम रास्ते से हटोगी, मुझे अंदर जाना है। हाँ हटो रास्ते से, इसे तमीज देना बिल्कुल बेकार है। मैंने सोचा था मैं अच्छे से बात करूंगी, लेकिन नहीं हो सकता मुझे लगता है। अभी यहाँ पे आओगी, मेरा रूम कहाँ पे बताओगी, या वहीं पे भूत की तरह खड़ी रहोगी, या कोई और भी गेस्ट आने वाला है जैसे कि तुम्हारा भूत फ्रेंड? तो आओ मेरी मदद करो रूम ढूंढने में। हेलो एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें मेरे काम के सिलसिले में यहाँ पे बुलाया, मैंने तुम्हें रखा है, तुमने मुझे नहीं रखा है जंगू, तुम कैसे बात कर रहे हो मुझसे? मैं तो ऐसे ही बात करूँगा मिस वी, आप आदत डाल लो, मैं ऐसे ही बात करने वाला हूँ। और रही बात आपने रखा हो या मैंने रखा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो रहूँगा ऐसे ही जैसे मैं रहता हूँ। वी कम डाउन कम डाउन, जैसे तुम्हें रहना है रहो जंगो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ, ठीक है? क्या हुआ, तुमने कॉल किया ही नहीं, क्या चल रहा है, तुम कुछ बताओगे या नहीं? वहाँ पे क्या पोजीशन है, क्या हालात है? मैं पहले ही बता रहा हूँ, मुझे इसमें बिल्कुल भी नहीं फंसना, जो करना है तुम्हें करना है, मुझे इसमें बिल्कुल नहीं फंसना है। वो एक्चुअली ना मैं बिजी था, इसके लिए मैं कॉल नहीं कर पाया। डोंट वरी, तुम इसमें बिल्कुल नहीं फंसोगे, क्योंकि मुझे एक बकरा मिल गया तो इस काम के लिए वो बिल्कुल सही है, तो तुम फंसने से रहे, तो टेंशन मत लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, ठीक है? अभी तो उसकी शामत आने वाली है। ओह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बकरा मिल गया तो उसे अलर्ट कब ही करने वाले हो तुम उसे, आई मीन तुम कभी उसे सामने लाने वाले हो? डोंट वरी, मैं बहुत ही जल्द उस बकरे को सामने ले आऊंगा, मतलब उसे सामने ले आऊंगा, सो डोंट वरी, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाय। सो बस आज के लिए बस इतना ही था, बाकी सब हम नेक्स्ट पार्ट पे देखेंगे। और आप लोग गेस करके बताइए कमेंट सेक्शन में, ये टू मिस्टीरियस पर्सन कौन है,
ओके बाय बाय सारंगे, लव यू, सी यू सून।